हम लोग बुलन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, ठीक है। तो बुलन अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो हम सेट कंप्लीट करवा चुके हैं, सेट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, जितने भी बन सकते थे मैंने सारा करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है तो प्लीज़ जाके देखें, ठीक। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ठीक है, वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए अब सेमेस्टर 5 की एग्ज़ाम होने वाली है ना, मार्च में तो एग्ज़ाम होगा, तो अगर आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। और रही बात अगर ट्यूशन भी करनी है, अगर अभी तक आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं सेमेस्टर 5 में, एक दो टॉपिक ही पढ़े हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है दिया हुआ बहुत सारे वीडियो में, ठीक है, नहीं या फिर हमको मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मैं, तो हम आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम ट्यूशन भी करवा देंगे 1 मंथ में ही, ठीक, क्योंकि बस आपको क्या है कि ट्यूशन में करवा रही हूँ तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखनी होगी, बाकी बुलन अलजेब्रा का ट्यूशन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस मैं रिकॉर्डेड वीडियो ही दे रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिलेशन पे आते हैं, ठीक है। रिलेशन में समझ में आ रहा हो कि रिलेट कर रहा होगा, रिलेशन दो मान लीजिए दो सेट होगा, ए और बी सेट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें रिलेशन क्रिएट हो रहा होगा, रिलेशन को हम आर से दिखा सकते हैं, इस तरीके से रिलेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ए और बी दो सेट है, तो इससे पहले हम लोग देखे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखे थे ना, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरीके से होता था, ए इंटू बी, ठीक है। तो इसकी जो निकलती थी मीन्स इसमें जो एलिमेंट रहते थे, इसमें एलिमेंट रहते थे वो रिलेट करते थे, मैं निकलते थे ऑर्डर पेयर में निकलते थे, ठीक है। तो इसमें रिलेशन में भी क्या होगा कि ऑर्डर पेयर में ही भी ऑर्डर पेयर में ही रहेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि ए की एलिमेंट्स है ए और बी है, ठीक है, और बी की एलिमेंट है 1 2 है, ठीक। तो इसकी जो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, ए इंटू बी कर रहे हैं मीन्स हमारा होगा ए 1 होगा, ठीक है, और क्या होगा ए 2 होगा और बी 1 होगा और बी 2 होगा, इस तरीके से होंगे, ठीक है, ए इंटू बी। तो रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन यही होता है, ठीक है, रिलेशन जो है ये हमारा यही है, बस क्या हो कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स ले लिए जाएंगे, जैसे आर इक्वल टू बोल दिया जाए, खुद से बोल दिया जाएगा कि आर इक्वल टू हमारा ए 1 है और बी 1 है, ठीक। तो ये कुछ कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है रिलेशन जाके। तो क्या होता है कि ये जो रिलेशन होते हैं ये हमारे सबसेट होते हैं किसके, तो ए इंटू बी के सबसेट, दिख रहा होगा यहाँ पे रिलेशन जो हो रहा है वो सबसेट किसका हो रहा है, ए इंटू बी का ही सबसेट हो रहा है, ए इंटू बी जब हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए इंटू बी कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। और रिलेशन मान लेते हैं कि हमारा रिलेशन ये है, ठीक है, ए है फिर 1 है फिर बी है फिर 1 है हमारा, ठीक। तो ये कुछ पार्टिकुलर कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा होगा, इस वजह से हमारा 2 ही रिलेशन आया है, ऐसे गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, कौन से कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हम रिलेशन निकाल लेंगे। रिलेशन ये हमारा हो गया, ठीक। देन तो देख रहे क्या कि जो रिलेशन है ये हमारा सबसेट नहीं है क्या, इस ए इंटू बी का सबसेट है, तो यही हमारे रिलेशन होती है, ठीक है, जो एलिमेंट्स में रिलेशन होते हैं मीन्स ये देखिए ये जो रिलेशन है, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है किसके एलिमेंट है, तो ए के एलिमेंट है ना, और सेकेंड एलिमेंट है किसके एलिमेंट है, तो बी के एलिमेंट है। इस तरीके से रिलेशन में भी होता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा फर्स्ट हमारा सेट के साथ होगा, सेट का होगा, ठीक है, और सेकेंड एलिमेंट जो होगा सेकेंड सेट का होगा, इसी तरीके से फर्स्ट एलिमेंट जो होगा फर्स्ट सेट का होगा, सेकेंड एलिमेंट होगा सेकेंड सेट का होगा, ठीक है। तो इसके प्रॉपर डिफिनेशन देखते हैं, जितना भी हम बताएं तो वो प्रॉपर डिफिनेशन में लिखते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आ गया रिलेशन लिखने के लिए तो आप लोग क्या लिखेंगे, ओके, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से हमारी बेसिक स्टार्ट होती है बुलन अलजेब्रा की, जो कि हम लोग बुलन अलजेब्रा आके जाके पोसेट करने वाले हैं, फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, ठीक है। देखिए लेट मान लेते हैं ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं, तो अ रिलेशन, लेट ए एंड बी टू सेट्स है, ठीक है, और रिलेशन रिलेशन हो रहा है किस पे, ए टू बी पे रिलेशन हो रहा है, ठीक है, ए टू बी इज अ, ये हमारा सबसेट हो जाता है। रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका होता है, सबसेट ऑफ ए इंटू बी का सबसेट होता है। बोले थे ना, दिखाएं अभी जस्ट एग्जांपल से कि रिलेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ए इंटू बी का सबसेट होता है, ठीक। और सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली किस तरीके से इसे आर रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इज अ रिलेशन फ्रॉम
ए टू बी, इफ क्या होगा, जो आर है हमारा वो हमारा सबसेट है किसका, ए इंटू बी का, ये हमारा सबसेट है, इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और नोट करके कुछ लिख लीजिए, नोट करके क्या लिखनी है देखिए, इसमें ये हमारी रिलेशन की डिफिनेशन हो गई, नोट करके लिखनी है, इफ आर इज अ रिलेशन, आर जो है वो हमारा रिलेशन है फ्रॉम कहाँ से, तो फ्रॉम ए टू बी से। ठीक है, रिलेशन आर है जो कि हमारा ए से बी पे लग रहा है। ठीक, रिलेशन मतलब समझ में आ रहा होगा ना, हम लोग भी तो जनरली बोलते हैं घर में, ये हमारा रिलेटिव है, ये हमारा रिलेशन में आता है बोलते हैं ना, तो रिलेशन में रिलेट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारी मम्मी की फैमिली से रिलेशन में आ रहा है, पापा की फैमिली से रिलेशन में आ रहा है, तो रिलेट हो रहा है ना वो, एक्चुअली में पहले से ही किसी न किसी से जुड़ा होगा। ठीक है, ए टू बी एंड इफ द ऑर्डर्ड, मैं ना रिलेशन में भी क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर में ही आते हैं हमारे एलिमेंट्स। तो ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी है जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, तो आर में हमारा बिलोंग कर रहा है। देन तो क्या बोलेंगे, देन वी से दैट द एलिमेंट्स, एलिमेंट जो है हमारा ए एलिमेंट है। ठीक है, तो ए एलिमेंट जो है किससे रिलेट हो रहा है, इज रिलेटेड टू, ए जो है एलिमेंट किससे रिलेट हो रहा है, तो ए एलिमेंट रिलेटेड टू बी से हो रहा है। ठीक है, ए रिलेट टू बी हमारा हो रहा है। ठीक है, रिलेटेड टू द एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ बी, बाई किससे, तो बाई रिलेशन से, बाई आर से। ठीक, बाई आर, ओके। एंड वी ऑल्सो राइट, लिख सकते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ए रिलेट टू बी, इस तरीके से हम देखे थे ना कि हम सेट को जब रिलेट करवाएं तो ए सेट हुआ था ना हमारा, ए कैपिटल ए, कैपिटल ए को हम लोग सेट डिनोशन देते हैं, और स्मॉल सारे जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट होते हैं, सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ए रिलेट टू बी इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसी को क्या पढ़ेंगे, विच रीड एज, क्या पढ़ सकते हैं, तो पढ़ेंगे ए इज रिलेटेड, ए इज आर लिख सकते हैं इस तरीके से, और रिलेटेड रिलेट टू बी। ठीक है, ए रिलेट कर रहा है कहाँ, बी पे रिलेट कर रहा है। ओके, समझ में आ गया होगा डिफिनेशन ऑफ किसकी, रिलेशन की डिफिनेशन। आप देखिए रिलेशन ऑन अ सेट की डिफिनेशन क्या होती है, अगर सेट पे हो, और अगर हमारा सेट है कि ए सेट है, ठीक है, और बी भी सेट है, और ए इक्वल टू अगर बी हो जाए तब क्या होगा, तो हम रिलेशन किस तरीके से बोलेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट, सेट पे रिलेशन देखिए। ठीक है, लेट आर बी अ रिलेशन, रिलेशन तो समझ गए, आर जो हमारा है वो क्या है, रिलेशन है। मान लेते हैं कि आर हमारा रिलेशन है, फ्रॉम कहाँ से हो रहा है, तो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इफ ए इक्वल टू अगर बी हो जाए, दोनों आपस में इक्वल हो जाए, हम इक्वल सेट के बारे में बात किए थे ना कि इक्वल सेट कब होता है, जब इसकी एलिमेंट और इसकी एलिमेंट सेम हो, जैसे इसमें ए बी सी है तो इसमें भी ए बी सी होगा, तभी जाके हमारा क्या होता है कि ए इक्वल टू बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारा आपस में तभी जाके इक्वल होता है। तो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इफ ए इक्वल टू बी है, देन तो हम क्या बोलेंगे, देन वी से दैट, से दैट क्या बोलेंगे, आर इज अ रिलेशन, रिलेशन ऑन द सेट ए पे हो रहा है सेट। ठीक है, आर जो रिलेशन हो रहा है किस पे हो रहा है, ए पे हो रहा है, सिंपल ए बोल सकते हैं क्योंकि ए इक्वल टू बी है हमारा। ठीक है, रिलेशन देखिए पहले क्या हो रहा था कि हम मान लिए कि आर कोई रिलेशन है जो कि कहाँ से हो रहा है, ए से लेके बी तक हो रहा है, फिर ए इक्वल टू बी मान लें, देन तो हम क्या बोलेंगे कि आर जो हो रहा है वो रिलेशन हो रहा है किस पे, तो सेट ए पे रिलेशन हो रहा है। ठीक है, ऑन अ सेट ए इंस्टेड ऑफ
इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ए टू ए ना बोल के हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मीन्स ए टू ए रिलेशन ना बोल के हम लोग क्या बोलेंगे कि आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, ठीक है, सिंपल, क्योंकि ए इक्वल टू बी है, तो जैसे कि हमारा हो रहा था ए से बी पे जा रहा था, तो हम लोग क्या बोलते हैं आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोलते थे, अब ए इक्वल टू बी हो गया, मीन्स आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, क्या बोलना है कि आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, ठीक है। देन देखिए इसके एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और अच्छे से क्लियर होने वाली है, ठीक है। और इसमें और एक चीज क्या है कि देखिए इसको हम इरेज कर देना, आप लोग तो लिख लिए होंगे, ये भी लिख लीजिए ऊपर वाले, दस अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज अ रिलेशन, जो हमारा होगा सेट ए पे जो रिलेशन होगा वो तो सबसेट ही होगा, रिलेशन जो हमारा होता है वो सबसेट ही होता है, तो किसका होता है सबसेट, यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था ए इंटू बी का वो सबसेट होता था, है ना। अब यहाँ पे जो है आर रिलेशन है किस पे, ए पे रिलेशन है, मीन्स ए जो होगा वो सबसेट होगा किसका होगा, तो ए इंटू ए का सबसेट होगा, ए इंटू ए भी बताए थे, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहे कि प्रीवियस वीडियो सारे देखिए, ठीक है, चार लेक्चर हो चुके हैं, चारों लेक्चर को कम्प्लीटली देखिए तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आप इस पेपर में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए एक्चुअली में न्यू ही होगा, बट सेट रिलेशन एंड फंक्शन तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वो समझना पड़ेगा आपको। इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ ए इंटू ए की ये हमारी सबसेट हो जाएगी, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल जैसे कि लेट मान लेते हैं कि ए जो हमारा है, ए हमारा सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इस तरीके से एलिमेंट है, एंड बी जो हमारा है इसमें एलिमेंट है पी और क्यू एलिमेंट है, ठीक है, पी और क्यू, ठीक। देन तो जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन हमारा दिया हुआ है आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1p, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है 1p, फिर हमारा 2q है, फिर हमारा 3 और क्यू है, इज अ रिलेशन, इज अ रिलेशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, तो वन देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर पेन में देख रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है किसका है, तो ए का लिया है, मीन्स समझ जाइए कि ए से कहाँ जा रहे हैं बी की ओर जा रहे हैं ना, रिलेशन ए से बी की ओर जा रहा है ना, ए से बी की ओर जाता है तभी तो फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का ही होता है एलिमेंट, ठीक। तो इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी की ओर ये हमारा है, ठीक। तो ये हमारी हो गई एक एग्जांपल बोल सकते हैं कि रिलेशन ऑन सेट किस तरीके से होता है, तो एक हमारा एग्जांपल हो गया। देन देखिए ये एक्चुअली में क्या होता है कि गिवन ही रहता है, ठीक है, गिवन रहेगा या फिर इसका कंडीशन कुछ रहेगा कि हमें इतना ही लेना होगा, यही हमारा सेटिस्फाई करेगा। और एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि लेट आई जो है हमारा, आई क्या होता है, तो सेट ऑफ इंटीजर होता है ना, आई पता है ना सेट ऑफ इंटीजर होता है, तो आई बी द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स डिफाइन द रिलेशन, रिलेशन को डिफाइन किया गया है जो कि हमारा क्या है लेस देन, देखिए यहाँ पे कंडीशन है लेस देन ऑन आई, आई पे क्या है कि एक्स जो है हमारा रिलेट टू वाई कर रहा है, बट इफ एंड ऑनली इफ कब एक्स जो होगा वो हमारा लेस देन होगा वाई तब, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कंडीशंस रहते हैं कुछ, तब जाके हमारा रिलेशन निकल जाता है। तो लेट आई है वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो जो रिलेशन हमारा है किस तरीके से डिफाइन किया गया है, डिफाइन द रिलेशन किस तरीके से, लेस देन ऑन आई मीन्स हमारा एक्स और वाई दो एलिमेंट रहेंगे, तो दो एलिमेंट में क्या होगा, मीन्स दो एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं, एक्स रिलेट टू वाई कर रहा है ना, बाकी क्या होगा कि एक्स जो होगा वो छोटा होगा किससे, वाई से, मीन्स छोटे एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर पेयर में तो सबसे पहले रखा जाएगा, फिर बड़ा एलिमेंट सेकेंड वाले में रखा जाएगा, ठीक है, ऑर्डर पेयर में। तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए ऊपर हम इरेज कर देते हैं, इसको अच्छे से समझिए थोड़ा,
देखिए क्या है, तो यहाँ पे जो रिलेशन हम निकाल के लेके आए हैं, तो रिलेशन जो हमारा होगा वो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। कैसे, क्योंकि एक्स और वाई वाले टर्म्स ले लिए, यहाँ पे एलिमेंट्स हम 1, 2, 3, 4 इस तरीके से प्लस माइनस कुछ नहीं दिखा सकते हैं ना, तो इसको हम लोग एक्स वाई के टर्म्स में यहाँ पे जब हमारा कंडीशन दिया हुआ है तो रिलेशन भी जो होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे कि हमारा था ना सेट, सेट को ही एक्चुअली में सेट जैसा ही हमें दिखाना होगा, इसी वजह से सेट पहले पढ़ा जाता है देन इसके बाद रिलेशन पढ़ा जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का रिलेशन हम बताए थे किस तरीके से दिखाया जाता है, दिखाया जाता है ना किस तरीके से, तो R जो होता है वो इस तरीके से होता है x और y इस तरीके से हुआ। ये हमारा क्या है कि x और y ऑर्डर पेयर में रिलेशन होते हैं ना, तो ऑर्डर पेयर में तो होगा, बस ये इस टू दिया जाता है। और x y कहाँ के एलिमेंट होंगे, तो x y जो एलिमेंट होंगे वो हमारे इंटीजर के ही एलिमेंट होंगे। एंड एंड क्या कंडीशन दिया हुआ, x जो है वो लेस देन y है। देखिए अब कुछ समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में जब आप लोग पढ़ते होंगे ना सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 में, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से रिलेशन रहता था या फिर सेट इस तरीके से डिफाइन रहता था। तो सेट जो हमारा डिफाइन रहता था तो हमें समझ में नहीं आता था कि वो एक्चुअली में है क्या, बोल क्या रहा है। देखिए अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि उस समय वो क्या बोल रहा था, है ना, अब समझ में आ रहा है कि उस समय वो क्या बोलता था। तो यही हमारा है कि एक्स वाई दो एलिमेंट है किसके, इंटीजर के एलिमेंट है, तो वही होता है कि हमारा डिफाइन किस तरीके से रहता है, ऑर्डर पेयर में। तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर हो गया, देन एक्स वाई जो है वो हमारा इंटीजर का है, देन और कंडीशन क्या है कि एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा वाई से। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए दो एग्जाम्पल हो गया ना, और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं अच्छे से इसको। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, लेट मान ले रहे क्या कि a इक्वल टू क्या है हमारा 1, 2, 3, 4 कहाँ तक गया, ये हमारा 12 तक गया। ठीक, इस तरीके से 12 एलिमेंट तक गया है। और डिफाइन डिफाइन द फॉलोइंग रिलेशन रिलेशन r ऑन किस पे, तो हमारा a पे। ठीक है, ए पे मतलब इसी पे, ए जो हमारा सेट है उसी पे हमारा डिफाइन है रिलेशन। देन तो और उसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि कंडीशन हमारा जो है एक्स रिलेट टू वाई कर रहा है। ठीक है, एक्स रिलेट टू वाई कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स जो है डिवाइडेड डिवाइड्स बी। देन अब बताइए ऐसा एलिमेंट लीजिए जो कि डिवाइड कर रहा है कोई दूसरा एलिमेंट हमारा बी एलिमेंट, मतलब बोल सकते हैं क्या, जैसे हमारा हो सकता है यहाँ पे किस तरीके से होंगे, और रिलेशन जो हमारा हो रहा है किस पे हो रहा है, तो ऑन ए पे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऑन ए मीन्स ए इंटू ए, तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, ए इंटू ए होगा तो मीन्स हमारा होगा 1 1 ही हो जाएगा, होगा ना इस तरीके से 1 1, फिर हमारा 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, इसी तरीके से जाते जाते 12 तक होगा, फिर 2 1 होगा, 2 3 होगा, बहुत सारे हो जाएंगे इसमें, होंगे ना। तो और पावर सेट हम बताए थे कि पावर सेट किस तरीके से होता है, पावर भी बताए थे। ठीक है, तो उतने एलिमेंट्स निकलेंगे। ठीक, तो सारा याद रखना होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स निकलेंगे, लेकिन बोला गया क्या कि बहुत सारे एलिमेंट्स निकलेंगे ना ऑर्डर पेयर में निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ गया है कि एक्स रिलेट टू वाई होगा, मीन्स दो एलिमेंट होंगे, और किसके एलिमेंट होंगे, तो ए इंटू ए के ही एलिमेंट होंगे, मीन्स इसी के एलिमेंट होंगे। तो ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एक्स को डिवाइड करेगा कौन, बी डिवाइड करेगा। ठीक है, मीन्स क्या हो गया कि एक्स को बी डिवाइड करना, जैसे कि हमारा इसका जो रिलेशन निकलेगा किस तरीके से निकलेगा, देखिए ये 1 1 निकलेगा, 1 को 1 डिवाइड कर रहा है, 1 को 1 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे x और y की यहाँ फॉर्मेशन दे दी है, और b डिवाइड कर रहा है, या x डिवाइड टू y बोल सकते थे, y होगा b नहीं होगा, सॉरी फॉर दिस। देखिए x डिवाइड टू y होगा, क्योंकि x रिलेट टू y हो रहा है ना, तो x डिवाइड टू y होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिए, y होगा। ठीक है, देखिए देन तो रिलेशन जो हमारा होगा, जैसे मीन्स क्या हो गया कि एक्स जो होगा ऐसा एलिमेंट होगा, तो इस एलिमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है, तो ये जो सेकेंड वाले एलिमेंट्स आएंगे ना वो डिवाइड करेगा। जैसे कि हमारा रिलेशन होगा यहाँ पे 1 1, 1 को 1 डिवाइड कर सकता है ना, हाँ इजीली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है ना। ठीक है, 1 1 हो जाएंगे, देन उसके बाद होंगे 1 2, 1 2 भी हमारा होगा। ठीक है, 1 2 होगा, 1 3 होगा, मीन्स एक्स डिवाइड इफ एंड ओनली x डिवाइडेड y, देन x डिवाइडेड y, सॉरी y को कौन डिवाइड कर रहा है, तो x डिवाइड कर रहा है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइडेड वाई, मीन्स क्या हुआ कि एक्स जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, वाई को डिवाइड कर रहा है, एक्स डिवाइडेड, एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है, तो एक्स क्या कर रहा है, वाई को डिवाइड कर रहा है, एक्स जो है वाई को डिवाइड कर रहा है, इस तरीके से लिख सकते थे इसको, दैट इज करके लिख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। तो मीन्स हो गया कि सेकेंड वाले जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो उसको कौन डिवाइड कर रहा है, तो हमारा एक्स डिवाइड कर रहा है, तो सेकेंड वाले एलिमेंट्स में वन को कौन डिवाइड कर सकता है, वन डिवाइड कर सकता है, कर सकता है, टू को कौन डिवाइड कर सकता है, वन कर सकता है, कर सकता है, फिर आती है बात यहाँ पे थ्री को कौन कर सकता है, वन कर सकता है ना, कर सकता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से फोर, और ये हमारा कंटिन्यू कहाँ तक, ये हमारा 12 को भी 1 डिवाइड कर सकता है। तो ये हमारे एक रिलेशन आई, और भी बहुत सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे जिसमें कि ये डिवाइड करेगा, ठीक है, कौन एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड करेगा सेकेंड को, जैसे कि लिखिए 2 डिवाइड्स कर सकता है 2 को, हाँ कर सकता है, 2 डिवाइड्स कर सकता है किसको और 4 को कर सकता है, 2 डिवाइड और किसको कर सकता है, यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, 2 और किसको डिवाइड कर सकता है, तो 2 हमारा 6 है ना, इसमें 6 भी तो आ रहा होगा, 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 8 को डिवाइड कर सकता है ना, और फिर कहाँ तक, तो हमारा 12 को भी डिवाइड कर सकता है, और भी आएंगे, ठीक, नहीं उसके बाद आते हैं 2 हो गया, उसके बाद आते हैं 3, तो 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 3 को ही डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 किससे डिवाइड करेगा, 9 को भी डिवाइड करेगा, कहाँ तक जाएगा, तो 3 हमारा 12 को भी डिवाइड करेगा, इस तरीके से हमारे रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। एक्चुअली मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा है ना वो थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वाई को डिवाइड मीन सेकेंड वाले टर्म्स को डिवाइड करेगा फर्स्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड वाले एलिमेंट को डिवाइड करेगा फर्स्ट वाले एलिमेंट, ठीक। नाउ इसके बाद देखिए अब 4 की बारी आती है, तो 4 को कौन डिवाइड कर रहा है, 4 ही डिवाइड कर रहा है, और 4 से कौन से डिवाइड हो रहे हैं, 8 डिवाइड हो रहे हैं, और 4 से कुछ डिवाइड हो रहे हैं, हाँ 12 डिवाइड हो रहे हैं ना, बस इसमें हमारा 3 ही बनेगा, 3 ऑर्डर पर बनेगा 4 से, ठीक है। देन उसके बाद आती है 5 की आती है बारी, 5 से 10 और कुछ होगा, नहीं होगा, 6 से हमारा 6 होगा और कुछ होगा, 6 से 12 होगा, बस इतने ही हमारे रिलेशन निकल के आएंगे, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, इतने रिलेशन निकल के आएंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस, और बाकी और भी आएंगे ऑर्डर पेयर्स तो और भी रहेंगे, जैसे 4 रिलेट करेगा तो 7 से भी रिलेट करेगा, 6 से भी रिलेट करेगा, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, तो ए इंटू ए का हमारा एलिमेंट्स हो जाएगा, ए इंटू ए का, तो रिलेशन जो हमारा होता है वो हमेशा क्या होता है, तो ये हमारा सबसेट होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा सबसेट हो जाएगा ना, ये सारे एलिमेंट कहाँ में बिलोंग करेंगे, तो ए इंटू ए में बिलोंग करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया हो कि रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए, तो कंडीशन को देखनी अच्छे से कि कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है, उस हिसाब से हम लोग फिर इसको रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है, रिलेशन क्या होता है और रिलेशन ऑन सेट क्या होता है, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे वीडियोस जरूर देखिए बुलन अलजेब्रा का, ओके, एंड यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।